हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं आपका आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं 9:30 बजे, क्योंकि आज भी बारिश का मौसम है और सुबह बारिश आ रही थी, जिस करके अपन ने बकरे लेट खोले हैं और मैं भी फार्म पर लेट ही आया हूं क्योंकि बारिश थी। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज हमारा वो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो चीज़ बनाई थी कसम अल्लाह की, इतना ज़्यादा दिल खुश हुआ सुन के कि आज यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ बारिश में, अल्लाह का करोड़ों एहसान। और अभी 2 दिन का और मौसम ख़राब बता रखा है। आप लोग पहले मौसम के हाल देखिए, फिर इंशाल्लाह आगे की बात करेंगे। तो अभी हमारा काम है आज पन्ना लेके आने का। अभी पन्ना लेकर आते हैं बैक साइड का, जो हमारा दूसरा छप्पर था जिसका हमने उतार के पुराने वाले पे डाला था, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट काम रहा। रात भी सेम बारिश थी, माशाल्लाह से बढ़िया मौसम था बहुत, आप लोग देख रहे होंगे अभी भी पानी वगैरह पड़ा है, लेकिन वो नहीं टपका, जो पानी नीचे आ रहा था वो नहीं आया, वो अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो अभी इस वाले को ठीक करने का है। अभी बकरे माशाल्लाह सारे खा रहे हैं, इनको खाने पीने देते हैं और थोड़ी देर के बाद मार्केट जाएंगे, मार्केट से पन्ना लेकर आते हैं और फिर इस वाले छप्पर को भी ठीक करते हैं। बारिश के बाद जो नमी वगैरह आती है फार्म्स वगैरह पर, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि स्मेल भी ना आए और कोई बीमारी ना आए, तो जो चूना आता है जिससे पेंट वगैरह भी होते हैं, उस चूने का छिड़काव कर दें। आज हमारे फार्म पर देखिए, जैसे ये ना फिलहाल ये नमीपन महसूस हो रहा है, हल्का हल्का गीला, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम हमारे फार्म पर आज चूना छिड़केंगे पूरे फार्म पर। इससे दो चीज़ों का फ़ायदा होगा, एक तो स्मेल जो आती है ना गीला होने के बाद फार्म पर, वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर कोई वायरल पनप रहा होगा, क्योंकि बारिश वगैरह में चीज़ें ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं वायरल आने के, तो वो भी बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो आज हम हमारे फार्म पर चूने का छिड़काव करेंगे। और आप भी अगर फार्म्स वगैरह चलाते हो या छोटा जैसा भी सेटअप आपका हो, माशाल्लाह से अल्लाह ताला स्कोर बड़ा करें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बारिश हो, बारिश के बाद आप चूने का छिड़काव ज़रूर करें अपने यहाँ पर। तो ये अभी आ चुका है चूना हमारे फार्म पर बारिश के मौसम के बाद। अगर आप भी परेशान हो कि फार्म पर आपके स्मेल ना आए प्लस कोई वायरल ना फैले, तो ये ज़रूर लगाए अपने फार्म पर, हफ्ते में या महीने में 2-4 बार ज़रूर करें चूने का छिड़काव। तो सुल्तान भाई खराब लेकर आ गए चूना, चूने पे गए थे, चूना लेने गए थे और चूना लगवा के आ गए। ये रहा शख्स सुल्तान जी, चूना लेने गया था और चूना लगवा के आ गया है। डिलची भाई चूना लेने गया था ना, आज चूना लगवा के आ गया। बता कैसा लाना है डिलची भाई, बताइए जरा क्या चूना। जैसा आटा हो ना, देखो ऐसा चूना बिल्कुल मत लाना, क्योंकि ये फैलेगा नहीं, ये एक ही जगह गिर जाएगा और फिर फैलता नहीं है, पाउडर फॉर्म में आएगा बारीक वाला, ठीक है। और अभी आ जाएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह कि कैसा होता है, किस तरीके से डालना चाहिए फार्म पर। तो सुल्तान भाई अपने केटीएम पे बैठ चुके हैं, बैठ जा बेटे चल फटाफट। और कैसा लग रहा है बेटे, चूना लेने गया था, चूना लगवा के बेकार लगा ना, जाओ वापस जाओ और वापस जाओ और चेंज करके ना पाउडर फॉर्म का लेके आना। हाँ भाई क्या हुआ, क्या हुआ बता, है नहीं कब लाएगा वो, रुड़की से नहीं वहाँ से, वो तो कह रहा था गाड़ी आएगी, वो गाड़ी 2 घंटे में कह रहा, शाम को छिड़क देंगे 2 घंटे में, चल शाम को छिड़क देंगे ना रात को। तो अभी मिला नहीं है, खैर जब आएगा तो इंशाल्लाह मैं तब दिखा दूंगा, शाम तक के आ ही जाएगा, नहीं आया तो फिर मैं जाके इंशाल्लाह ले आऊँगा। एक सेकंड रुको भाई, बच रहा है पूरा 2.5 किलो, यानी कि 5 कंडी बच रही और 2 कंडी रखी वहाँ, 5 कंडी बच रही है अभी और 2 वहाँ रखी, 7 कंडी बच रही है अभी। हाँ तो बस सबका हो जाएगा ना पूरा, हैं इसकी और रखी अलग, मैंने रखने इसके निकाल रखे, तो सबका गेहूं हो गया माशाल्लाह से। आज थोड़ा सा कम पड़ गया क्योंकि कुछ बकरे हमने ऐड कर दिए, जो हमारे ध्यान नहीं थे कि इनको रेगुलर हमारे चला रखा था नहीं, खैर कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह करके खिलाया था तो बरकत हुई, फिर भी हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। अभी इंशाल्लाह इसको निपटाते हैं और फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम फार्म पर कर सकते हैं आज। जितनी भी कोशिश कर लो, फार्म पर थोड़ा बहुत दाना गिर ही जाता है, लेकिन अल्लाह सलामत रखे हमारे छोटे छोटे बच्चों को, इनको बकरियाँ खा लेगी इसको, बाकी जो होगा हम इनको बच्चे खा लेंगे, ये वेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझे सजेशन देते थे इसके लिए कि भाई मुर्गियाँ रख लो फार्म पर, लेकिन मुझे मुर्गियाँ बहुत बुरी लगती है, इस करके मैं नहीं रखता। हमारे यहाँ मुर्गियों का काम ये बच्चे कर देते हैं, सारा दाना चुग लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरों का दाना वगैरह कंप्लीट हो गया दोपहर का, अभी अपन चलते हैं घर और शाम में आएंगे। और मेरा जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि एक पन्ना रह गया था, तो ये पन्ना भी आ गया है, बस इसको इंशाल्लाह अभी शाम में डालेंगे क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया था। अभी एक चूना डालना रह गया और एक पन्ना डालना रह गया आज का काम, वो इंशाल्लाह आके करते हैं। अभी अपन घर चलते हैं। ओ बेटा ज़रा आ जा, इसका दूध वगैरह भी हो गया है, ये फिर भी पीछे पीछे घूमेगा, इसको लग रहा है कि इसे और दूध पिलाऊँ, बट खैर अब मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह शाम में 5 बजे। तो अभी अपन लोग घर जा रहे हैं अपने,
और इंशाल्लाह अभी थोड़े से गेस्ट वगैरह आए हैं घर पे, उनसे मिलते हैं और फिर अपने फार्म पर आएंगे। हो सकता है आज भी मुझे फार्म पर थोड़ा जल्दी आना पड़ जाए क्योंकि अभी एक कॉल आई है मेरे पास और मेरे बहुत ख़ास दोस्त है अजीज भाई जो कि मुजफ्फरपुर बिहार की साइड से हैं और मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं। वो कलियर शरीफ आए थे तो उनका फ़ोन आया था, तो उनका कहना था कि यार एक बार मिल के भी जाएंगे फार्म पर, तो हो सकता है कि मैं शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊँ। वो भी बेचारे थोड़े बुजुर्ग हैं तो शायद वो ना बनवा पाए वीडियो। मोस्टली दोस्त ऐसे हैं जिनकी बच्चे मेरी एज के हैं, मतलब कि काफ़ी बुजुर्ग वाले लोग जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है कि उठना बैठना, बाहर के भी खासकर और लोकल के भी अधिकतर लोग मेरी एज से बड़े हैं। पता नहीं क्यों है लेकिन शुरू से ही मैं बड़े आदमियों के साथ रहा हूँ, बड़े अमीरों के साथ नहीं, एज में बड़े लोगों के साथ रहा हूँ। हो सकता है इसी वजह से थोड़ा सा मेरे अंदर सेंसिटिविटी और जो मैच्योरिटी दिखती है लोगों को वो इस वजह से आई हो क्योंकि मैं अधिकतर उन लोगों के साथ रहा हूँ जो पहले से ही मैच्योर थे। मैं अपनी उम्र के लड़कों के साथ बहुत कम रहना, अभी भी बहुत कम है और पहले भी मैं नहीं रहा और अभी भी आगे भी जितने भी दोस्त हैं सबके साथ ऐसे हैं जो मेरी एज से काफ़ी बड़े। अभी फ़िलहाल की मेरे पास मैसेज आया है कि दोबारा से तूफान आने की संभावना है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट मैसेज डाल देती है सभी लोगों को जो जो यहाँ के आउट एरिया के होते हैं। हरिद्वार एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा भयानक तूफान बताया गया है। खैर अल्लाह रहम करे, अभी मौसम बिगड़ भी गया है, हवाएं शुरू हो गई है, तो इस करके मुझे फार्म पर जल्दी आना पड़ गया। तो हम क्या करते हैं, अपने बकरों को फटाफट से बाहर निकालते हैं, चने वगैरह खिलाते हैं और इन केस अगर हवा वगैरह चलती है तो उसका उपाय ढूंढते हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर तूफान आना ही है तो दिन में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि रात को चीज़ें संभलती नहीं है अंधेरों में। दिन में तो क्या है कि हम इंशाल्लाह कवर कर ही लेंगे जैसा कैसा होगा, अभी देखते हैं क्या होता है। बने रहिए इंशाल्लाह ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको आज और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। और ये देखिए हवा फिर से चलने शुरू हो गई, लेकिन अब की बात तगड़ा हवा चलेगी आज, पन्ना सेट करना पड़ेगा। पन्ना तो यार सेट है लेकिन और सेट करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा खतरनाक मामला बता रहा है भाई। खैर जैसा भी होगा इंशाल्लाह। ईंट है तो नहीं? ईंट वगैरह नहीं, देख ऐसा अगर दिन में आया ना तो हम संभाल लेंगे, रात का चक्कर है यार। चलो देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, जैसा भी होगा अल्लाह रहम रखे। घोड़ी घोड़ी रख देते हैं ऊपर है ना, पैसे ले लेगा चाहे अपने 4-5 दिन के लिए। चलो इंशाल्लाह, क्योंकि अभी क्या है कि 3-4 दिन मौसम ऐसे ही परेशान करेगा। देखो कितना डेंजर व्यू दिख रहा है, जैसे घूर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो मौसम आप लोग देखिए, आपको दिख रहा होगा इस कदर के बादल, खतरनाक वाले बादल चल रहे हैं फिलहाल। थंबनेल के लिए फ़ोटो लेनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि थंबनेल नहीं बना तो हो सकता है व्लॉग में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि थंबनेल अच्छा होगा तो व्यूज़ अच्छे आएंगे। बर्बादी का थंबनेल बना लिया है, अभी देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जब से हमने मैट लगाई है, जब से हवा चली रही है हमें इसे हटा देनी चाहिए? हो सकता है ये मनहूस हो सकता। सुल्तान फार्म पे अभी तक बहुत सब कुछ सही है माशाल्लाह, बस दुआ करते हैं कि हवा आए और चली जाए, कुछ खास ना बिगड़े। क्योंकि आज हमने बकरों को बहुत हैवी फीड दे भी रखी और अभी हमने दाने वगैरह भी भिगा रखे थे। खैर देखते हैं अभी जो भी होता है फार्म पर, अल्लाह रहम रखे। हवा अभी हल्की हल्की चलनी शुरू हुई है, ज़्यादा नहीं है बट वार्निंग मिली हुई है, तो डर लगता है कि यार अब शुरू ना हो जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है, आप लोगों ने भी नोट करा होगा कि जिस चीज़ के बारे में बता दिया जाता है कि होने वाला है उसको सोच के डर लगने लगता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बकरों का चना वगैरह कंप्लीट हो चुका है और अभी तक के नॉर्मल हवा चल रही है। अगर बाहर पेड़ों की शक्ल देखी जाए तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद जूम करके आपको दिख जाए। एक सेकंड रुको, जूम करके देखते हैं क्या पोजीशन है। हवा चल रही है लेकिन बहुत नॉर्मल हवा है, बस ऐसे ही चलती रहे तो बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत ख़तरनाक हवा चलने वाली है मेरे दिल से, लेकिन खैर बस उम्मीद करते हैं कि ना चले। क्योंकि देखो बारिश को हम झेल जाएंगे मगर हवा ऐसी होती है कि वो खड़े खड़े पेड़ तक उखड़ जाते हैं। हमारी साइड में एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पर पूरे रोड पर सारे पेड़ लगे हुए थे और जो परसों हवा चली थी उससे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि सारे रोड के पेड़ उखड़ गए। वो तो आप सोच के देख लो कि कितनी तेज़ हवा होगी जो इतने बड़े तूफान में इतने बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, तो फिर ये क्या है, क्या कुछ भी नहीं है। लेकिन खैर उम्मीद करते हैं कि कुछ ना हो। अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा और इसके ऊपर सामान रखते हैं ताकि ये उड़े ना। ये वैसे उड़ेगा नहीं इंशाल्लाह, लेकिन इसके ऊपर जो पन्ना है ना वो उड़ सकता है, उस पर जितना भी वेट रखेंगे हवा अगर आई तो उसको उड़ाकर ले जा सकती है। बट इंशाल्लाह उसकी मैं अभी अरेंजमेंट करता हूँ। बकरों को पत्ती वगैरह रख देते हैं, चने इन्होंने खा लिए माशाल्लाह, बस अभी इनको पत्ती रखते हैं और फिर दोबारा से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अभी तक उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं ताकि बारिश अगर आए भी या हवा चले तो उसको कुछ ना हो। हमारे फार्म पे ना एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो है चीज़ों को रख के भूलने की। अभी मैं पूरे स्टाफ से पूछ चुका हूँ, कल हमने एक टेप यूज़ करी थी, बहुत बड़ी टेप थी और पूरे फार्म पर ढूंढ ली, नहीं मिल रही।
और अभी जब सारे काम निपट जाएंगे वो सामने ही पड़ी मिलेगी। हमने हमारे तरीके से सारा का सारा इंतजाम कर दिया और अब हवा रुक गई है। बहुत अच्छी बात है, इंतज़ाम कर लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हवा नहीं चली ना, ये बहुत अच्छी बात है। जो मेहनत लगी वो अलग है, लगने दो, हो सकता है कल को आए, परसों को आए या आज रात को आए, लेकिन हमने पहले ही प्रिकॉशन ले लिया है। बट मैं फिर भी यही दुआ करता हूँ कि ना ही आए बारिश। बारिश आ भी जाए चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हवा ना आए, क्योंकि हवा से नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली अभी बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे कवर हो गए हमारे, यानी कि आज का पूरा डाइट प्लान इनका कंप्लीट हो गया है शाम तक का। घोड़ा जीरा जो हमने मंगाया था वो अब तक के हम नहीं खिला पाए, क्योंकि अभी पीछे वो खा नहीं रहे थे और पीछे दो तीन दिन से हम तूफ़ान में उलझ गए थे, तो वो भी नहीं हो पाया। अभी देखते हैं इनको दोबारा से खिलाकर। वैसे मुझे भाईजान ने बताया था कि इसको सुबह को अभी तो ये नहीं खाएंगे, बट इंशाल्लाह चेक करते हैं आज कल सुबह को, कल सुबह से इंशाल्लाह इनको घोड़ा जीरा भी शुरू करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अब अपनी ब्लॉगिंग में कुछ ट्विस्ट लेके आते हैं, कुछ सेलिंग के बकरे भी निकालते हैं, सेलिंग के बकरे जो मेरे पास नहीं है हारून भाई के पास खड़े हैं, या जो भी कुछ दिखा सकते हैं बकरों का भी शौक कराते हैं, क्योंकि लोग बाग शकल देख देख के मुझे ऐसा लग रहा है बोर होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द अब आप लोगों को बकरों का भी शौक कराना पड़ेगा, बट थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक बकरा भी डिटेल के साथ दिखाएंगे, थोड़ा सा और सब्र बस इंशाल्लाह। इन तीनों का सबसे ज़्यादा मस्त है हमारे फार्म पे, कुछ भी हो रहा हो माशाल्लाह इनको मतलब नहीं है, इनको बस तीनों को एक साथ खाना है। ये भाई है इनका शमशेर और ये दो बहनें हैं इसकी, और इनकी मम्मी भी तो उधर ही घूम रही होगी कहीं पास में इनके, कहाँ गई वो खड़ी इनकी मम्मी, अल्लाह इनकी फैमिली को सलामत रखे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कलियर शरीफ शाबिर साहब दरगाह, अभी पेट्रोल पंप पे तेल डलवा लेते हैं पहले अपनी बाइक में और फिर चलते हैं इंशाल्लाह कलियर। आज है जुमेरात का दिन, आज नहर में पानी देखो कितना है ना, सर थोड़ी सी और अगर ऊपर गई तो पानी ऊपर आ जाएगा ना, पानी बहुत है आज भाई नहर में। और आज जुमेरात है, दुनिया भर की पब्लिक आ रही है कलियर में, और आज इन्होंने पानी देखो कितना छोड़ रखा। ये वैसे उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो लोग कलियर में आते हैं और नहर में चले जाते हैं नहाने, मत नहा करो भाई। तो यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसको अभी हमने यहाँ से उठवा के रिक्शा में रखवा दिया, इस भाई को चोट लग गई थी कलियर जाते हुए रास्ते में, ये हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है लोगों की मदद करना, तो उस करके अपन ने करी। भाई साहब कितनी भीड़ है आज, ये जो अंधी तूफान वगैरह चल रहे थे इसकी वजह से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और इसी करके मैं यहाँ हफ्ते आता भी हूँ। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ में ज़्यादा तो गई, खाना वाना खा लिया और आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, फार्म पर सब कुछ सही रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश वारिश भी नहीं आई जैसे कि तूफान वगैरह का बताया हुआ था। एम्बुलेंस को देख के दिल घबरा गया। तो आई होप कि आप लोगों को आज का भी ब्लॉग आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अभी अपन लोग चलते हैं घर पर, इस ब्लॉग को एडिट करेंगे और फिर पढ़कर सो जाएंगे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।